तो हे व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फेपी गेमर्स। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं बैटल एरिना के इवेंट के बारे में। तो बहुत बंदों ने जो है इसका नेम चेंज करके हैकर्स एरिना रख दिया है, क्योंकि भाई लोग हर एक गेम में मोस्टली हैकर्स मिल रहे थे एंड जो फेयर गेम प्ले करने वाले हैं, जो अपने रियल गेम प्ले से मतलब रिप्रेजेंट करना चाहते थे अपनी कंट्री को एंड वे नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जगह स्क्रिप्टर्स ही खेल मतलब स्क्रिप्टर्स ही बोया करते हैं, हर मैच को स्क्रिप्टर्स ही जीतते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग जो इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ कि बैटल एरिना जैसे इवेंट्स और भी बहुत आ जा चुके हैं एंड गैरिना इस पर काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। एंड जो प्ले स्टोर पर रेटिंग है फ्री फायर की बहुत ही ज़्यादा डाउन आ चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हमारी फ्री फायर को मतलब ऐसे डाउन लाना गलत बात है, बट कोई प्रॉब्लम है तभी प्लेयर्स जो हैं इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तभी इसको वन स्टार रेट दे रहे हैं। बट यहाँ पर जो है गैरिना एक्शन फिर भी नहीं ले रही है। अगर हम अदर सर्वर्स को चेकआउट करते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती कि टूर्नामेंट में हैकर्स निकले हैं। एंड यहाँ पर इंडियन सर्वर में हर एक इवेंट, हर एक मैचेस, हर एक टूर्नामेंट में हैकर्स पाते हैं। तो ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या है यार इस सर्वर में, यहाँ के एम्प्लॉयज इतने चूतिया हैं भाई। मीन्स पूरे गेम को इन्होंने ख़राब करके रखा। यहाँ के यूट्यूबर्स करप्टेड हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी करप्टेड हैं यार। मतलब इस फ्री फायर में भाई कुछ खेलने का फ़ायदा भी नहीं है। पहले इतना अच्छा गेम था ये, बट अब धीरे धीरे जो एम्प्लॉयज़, ये वैभव मुद्रा आदि थी, ये जो भी आए हैं भाई, ये सारे करप्टेड हैं। ओनली पैसों के ऊपर ही भाई ये गेम चल रहा है, ठीक है। हमेशा जो गेम ऐसा होना चाहिए था प्ले टू विन, ठीक है, बट ये हो रहा है पे टू विन। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये ई स्पोर्ट्स के भाई लोग इसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। एंड भाई अगर ये गैरिना तक अभी भी बात नहीं पहुँची तो इनके गेम को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 3.8 पर जो है रेटिंग आ चुकी है 4.5 से, जो कि हर एक कंपनी, हर एक गेम, हर एक एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी टॉप 24 टीम सेलेक्ट हुई थी, मैं देखो सबसे पहले बता देता हूँ, हमारी टीम टॉप 24 में नहीं थी। हमारी टीम थी 450 नंबर पर तीन कंट्रीज में से, बट वो धीरे धीरे डाउन इसलिए आ रही थी क्योंकि भाई लोग हैकर्स जो हैं इतने कमाल के हर एक गेम में 30-35 किल्स कर रहे थे भाई। सोच सकते हो हर एक गेम में 30-35 किल्स, भाई इम्पॉसिबल हो जाता है यार। कोई भी लेजेंड भी आएगा ना तो हर एक गेम में भाई लगातार 8 गेम में 30-35 किल नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट भाई लोग बात करते हैं, जो ये डिजर्व करता था टॉप 24 टीम्स में आना, वो नहीं आ पा रहा है एंड उसको डाउन कर दिया जा रहा है। अगर कोई यूट्यूबर जो है ना, मान लो जो भी, जैसे कि हम लगा लेते हैं टीम लावा को, मान लीजिए वो टॉप 100 में भी नहीं है बट वो पार्टनर प्रोग्राम में है, ठीक है। एंड अगर वो 500 नंबर पे आते हैं बट उसको उठा के टॉप 24 टीम्स में रख लिया गया है, एंड जो भी ऐसे भैंसे से है ना, मतलब यूट्यूबर क्या बताएं भाई इन लोगों को, ये जो साले सारे करप्टेड हो चुके हैं, ये जो भी भाई मतलब कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है यार अब खेलने का। अब जो भी बंदा खेलेगा भाई, सिर्फ या तो पैसे डालो अपने, वेस्ट करो अपने, हीरोइक जाओ भाई, फिर वापस नीचे आ जाओ भाई, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। जाओ सभी जाके प्ले स्टोर में इसको वन स्टार रेटिंग दो भाई, इसको इसकी औकात दिखा दो, ठीक है। हमने इसको ऊपर उठाया है एंड हम ही इसको नीचे डाउन करने वाले। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम लोगों को एक यूनिटी में काम करना होगा, ठीक है। एंड अब बात आती है भाई लोग गिल्ड के बारे में, तो गिल्ड मेंबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर कि ये, तो मैं बताता हूँ सबसे पहले डाउट भी क्लियर कर देता हूँ बहुत लोगों के यहाँ। तो लास्ट गिल्ड की वीडियो में बहुत लोगों के डाउट जो है क्लियर कवर अप नहीं हो पाए थे, ना ही क्लियर हुए थे, तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर अप करने वाला हूँ गिल्ड के रिलेटेड भी सब कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आज की वीडियो को लाइक है मैं ओनली 150 लाइक्स, तो होप कि आप सब लोग इस लाइक गेम को कंप्लीट कर दोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, ठीक है। एंड इवन तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता लगी है मोड से, ई स्पोर्ट के मोड से, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें जो है हर मंथली में हमें वीकली मेंबरशिप का गिवे वे रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हर मंथली, यानी कि ईच मंथ, हर एक मंथ में वीकली मेंबरशिप का गिवे वे करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई लोग जब आई जी स्पोर्ट्स गिल्ड बन जाएगी हमारी। एंड जो भी लेवल अप बंदे हैं, जो भी अच्छे बंदे हैं एंड अगर वे ग्रैंड मास्टर पुश करते तो उसको मेंबरशिप दिलाना भी हमारा काम है, एंड उनको अगर गिल्ड लीव कर देते हैं तो किसी को भी दोबारा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एंड बहुत ऐसे बंदे हैं जो
मतलब कि हमारे बंदों को दूसरी गिल्ड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि जिनकी औकात नहीं होती ना ऐसे करने की, तो वो सिर्फ दूसरे बंदों की हुई मतलब चुराते हैं, ठीक है। हम झूठ बोलते हैं, हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे एंड उन बंदों को लेकर जाते हैं, बट हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदा रियल होगा, जो बंदा रियल सपोर्टर होगा, वो हमारे साथ ही रहने वाला है। एंड जिनको जाना है भाई लोग जाने दो, ठीक है। वे सब लोग भी करप्टेड, वे सारे बिकने वाले लोग हैं, ठीक है। कोई 150 रुपये की मेंबरशिप के लिए बिक रहा है, तो कोई 400 रुपये के लिए बिक रहा है, ठीक है। बट मिलने वाला इनको कुछ नहीं है, सिर्फ इनको पागल बनाया जा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एंड ठीक है, तो जो मेन बात आती है कि बहुत लोग बंदे कह रहे हैं कि क्या हम IG स्टार के बाद, यानी कि गिल्ड नेम के IG स्टार के बाद हम लोग कुछ स्टाइलिश नेम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ भाई लोग, स्टाइलिश नेम कुछ भी नहीं लिखना है यार, ठीक है। फुल बल्कि वैसे होना चाहिए बिल्कुल जैसे हमारी होती है ना भाई लोग कीबोर्ड लैंग्वेज, ठीक है, बिल्कुल वैसे होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टाइलिश होता तो यार उसको नहीं एक्सेप्टेड है भाई लोग, समझा करो। मुझे भी रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। एंड YT की बात आती है तो YT कोई भी नहीं लगाने वाला है, ना कि हम लगाएंगे, ना कि कोई भी अगर हमसे बड़ा यूट्यूबर इस गिल्ड में है, और ना ही वो लगाएगा। तो इस शर्तों को भाई लोग मानना पड़ेगा यार, समझा करो। एंड इवन टूर्नामेंट्स वगैरह की बात आती है कि टूर्नामेंट्स हम लोग कैसे खेलने वाले हैं, कैसे इन सब टूर्नामेंट्स में हम लोग अपना मतलब योगदान देने वाले हैं एक तरह से, ठीक है। तो बात आती है, आज जो है हम लोगों को कस्टम रूम कार्ड मिल चुके हैं। तो गिल्ड का बंदा जो भी वीडियो को एंड तक देख रहा है भाई लोग, आप सब लोगों के लिए एक मेन न्यूज़ है, ठीक है। आज इस वीडियो में आपको कमेंट्स में, ठीक है, कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को अपनी स्क्वाड डिसाइड कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं भाई लोग, मेरे को मत लेना, मैं फर्स्ट स्क्वाड में रहूँगा। एंड मेरी स्क्वाड में बनी वेदांत, मैं एंड चौथा बंदा अगर ब्रोकन हार्ट खेल पाता है तो वो हो जाएगा, नहीं तो हम किसी भी रैंडमली को ले लेंगे, ठीक है। तो आज एक कस्टम होगा, स्क्वाड कस्टम होगा, ठीक है। लिमिटेड एमो सब जैसे नॉर्मल होता है बिल्कुल वैसे होने वाला है। तो आज कुछ इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। एंड भाई लोग, हम वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया है, तो भाई लोग उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाता है वो भी, एंड हम लोगों ने डिसाइड किया साथ ग्रो करने का। बस फ़र्क इतना हमारा रोड टू 10K है एंड उनका रोड टू 2K है। तो भाई लोग, होप कि आप सब लोग जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हो उनको भी सपोर्ट करोगे। एंड मोस्ट ऑफ द गिल्ड फाइट हम लोग उनके साथ भी प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि उनकी गिल्ड में बहुत एम्यूलेटर प्लेयर्स भी हैं, तो जिनके अपोजिट खेल के हम लोगों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, लाइक है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, ठीक है। इस वीडियो के बाद भाई लोग 10 सब्सक्राइबर्स तो इंक्रीज हो जाने चाहिए, तो मक्खन नहीं लगा रहा हूँ बट यार फिर भी कर दो 10 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज। एंड एक छोटा सा गिव अवे के बारे में बता रहा हूँ, मैंने एंड में इसलिए बताया ताकि जो लोग इस वीडियो को एंड तक देखने वाले उन लोगों को ये मिल जाए, ठीक है। तो एक जैसे मैंने बताया स्क्वाड कस्टम होगा गिल्ड वालों के लिए, तो उस कस्टम के बाद एक सोलो कस्टम भी होगा गिल्ड वालों के लिए ही। एंड उस कस्टम को रिकॉर्ड किया जाएगा सोलो वाले को, ठीक है। स्क्वाड को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सोलो वाले को रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड जिसमें पूरी गिल्ड मेंबर्स खेलने वाले हैं, जो भी बंदा उसमें फर्स्ट आता है उसको 100 डायमंड का गिफ्ट मिल जाएगा। जैसे कि कल भी यही सेम हुआ था, वैसे ही 100 डायमंड का गिफ्ट उसको जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो बाय गाइस, आज के लिए बस इतने। वीडियो पसंद आई हो तो चलो, मैंने बोल दिया यार, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलो बाय बाय लोग, मिलेंगे अगली वीडियो में यार।